अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मैं धन्यवाद करता पिता परमेश्वर का कि अज उन्होंने मैनु एक गवाही पेश करन दा वधिया अवसर दिता, वधिया मौका दिता। और मैं धन्यवाद करदा मसीह परिवार चैनल का जिन्होंने मैनु अपने चैनल के उत्ते एक गवाही देने का अवसर दिता। तो दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह बीपीओ महराज डिस्ट्रिक्ट बठिंडा का रहने वाला। पिछले 12 दिसंबर 2015 नूं मैं अपने अमेरिका दे वीजे दे लई दिल्ली एम्बेसी दे विच गया। किसे डाकूमेंट गलत होने दे कारण मेरा वीजा रद्द हो गया और मेरे ते एलीगेशन लग गई, जिस करके मेरे ते केस होया और वो केस अदालत दे विच चलदा रहा, जिस केस दे कारण मैं सजा भी भुगती। वकील होया, वकील दे नाल गल्लबात कीती कि मेरे केस नूं किस तरह बंद करवाया जावे जां इस दे विच मैं बरी हो सकां। तां वकील दे नाल गल्लबात करन ते वकील ने यह गल कही कि तुहाडा जो केस है वह लंबे टाइम तक चल सकता है, कोई पता नहीं है, 10 लग जाण, 15-20-25 साल भी तक यह केस चलते रहिंदे ने, तुहाडे ते काफ़ी वड्डियां धरावां लगियां होईयां ने। मैं जी मन दी आस मार चुक्या सी, मैं मन दे विच सोचदा रहिंदा सी वी इस तों बाद आपां किसी कंट्री नहीं जा सकांगे ते इह शायद केस कदे भी बरी, इस केस दे विच मैं कदे भी बरी नहीं हो पाऊंगा। तां दोस्तों, 12 दिसंबर 2015 नूं मेरा पासपोर्ट भी उत्थे जब्त हो गया सी, उस कस्टडी दे विच सी, तां मैं किसी कंट्री दे विच भी जा नहीं सकदा सी। तां मन दे विच बड़े हाव भाव रहिंदे, नाराजगी रहिंदी, अपनी लाइफ खराब हो चुकी सी और अपनी लाइफ दे इन्हां माड़े नतीजिआं करके मैनूं लगण लग गया सीगा वी शायद मैं किसी पासे सक्सैस नहीं हो पाऊंगा, मेरा केस इदां ही चलदा रहू ते सारी जिंदगी मैं अपनी खराब कर ली, लखां रुपए मैं खराब कर दित्ते सी। तां 2018 दी गल है, एक रात नूं मैं सुत्ता पिया सी तां सुपने दे विच मैनूं ओह दृश्य दिखाई दित्ते जिदां एक स्वर्ग दी भवन दी फोटो मैनूं दिखाई दित्ती। तां मैनूं अपने आप नूं लग्गिया शायद वी मैं अलग अद्भुत दुनिया दे विच हाँ। मैं मेरा दोस्त राजविंदर सिंह पुच्चू दा रहण वाला, मैं उन्हां दे नाल इह अपने सुपने नूं बयान किया कि राजविंदर सिंह राती मैनूं इस तरह का सुपना आया कि मैनूं अलग टाइप का कुछ स्वर्ग दिखाई दिता जिथे मैनूं पता नहीं लगता भी कि दुनिया वह कि नहीं है। तो राजविंदर सिंह जो है पहले ही मसीह परिवार के उन्होंने मेरे नाल इस गल बारे विचार किया, उन्होंने मैनूं यह गल कही कि आपां इस बारे पास्टर जी दे नाल गलबात करते हैं। तो उन्होंने मैनूं चर्च के विच नाल लै गए जिथे मैं पास्टर जी नूं मिलिया, गगनदीप कौर जो कि पुच्चो मंडी की एक चर्च के विच पास्टर ने, उन्होंने मैं ये गल शेयर की। तो उन्होंने भी मैनूं मेरी जो गल सुनी, मेरा सुपने बारे उन्होंने मैं विचार किया, तो उन्होंने भी मैनूं यही गल कही कि परमेश्वर तुहानूं अपने कम्मां दे लई यूज़ करना चाहुंदा, अपने भवन दे विच बुलाउणा चाहुंदा वी तुसीं आना शुरू करो। मैं उन्हां दी गल मन के परमेश्वर दे लड़ लग्गिया, परमेश्वर दे भवन विच आना शुरू कीता। 2-3 हफ्ते मैं आंदा रहा और मैं दीदी पास्टर दे नाल गगनदीप कौर नाल इस अपने जो केस बारे डिस्कशन की, और उन्होंने मैं कहा
कि ये मेरा केस वरी नहीं हुंदा ते इहदे बारे तुसीं मैनूं प्रार्थना करो ता कि मेरा पासपोर्ट और मैं अपने इस केस दे विचों बरी हो सका और मेरा पासपोर्ट भी मेरे हवाले आ जाए। पूरी कलीसिया ने मिल के और पास्टर दीदी ने मिल के प्रार्थना मांग किया, लगातार प्रार्थना मांग कीतियां और मैं खुद भी अपने घर दे विच बैठ के प्रार्थना करता सी और लिखती रूप दे विच प्रार्थना करता सी, जिन्हां नूं मैं वह लिखती रूप दिखाउण नूं भी तैयार हाँ कि मैं वह लिखती रूप दे विच तेकां डेट पा पा के मैं वह लिख दिंदा सीगा कि परमेश्वर अगर जे तू डुब्बिआं नूं तार सकदा, अगर जे तू डुल्ले बिगड़िआं नूं सवार सकदा तां मेरा यह केस तू बरी कर सकदा। परमेश्वर जग तू सब दे भले करदा, तू मेरी जिंदगी दा वी भला कर। परमेश्वर ने मेरी आवाज़ नूं सुणिआ, उहदा उत्तर दित्ता, तां जो 20-25 साल तक मेरा केस निपटारा नहीं हो सकदा सी तां राइट 12 दिसंबर 2018 नूं मेरा केस वरी हो गया सी। दोस्तो हैरानीजनक गल तां इह है कि परमेश्वर ने बहुत वड्डा चमत्कार कीता। 12 दिसंबर 2015 नूं मेरा पासपोर्ट जब्त होया सी और 12 दिसंबर 2018 नूं मेरा पासपोर्ट मेरे हथ दे विच आ गया सी। तां मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदा, सच्चा पिता परमेश्वर अज भी जिंदा, अज भी वह सब डुल्ले बिगड़े सवारदा और अज भी हर एक दी ओ मदद करदा, जो परमेश्वर दी महिमा करदा उहदा वह उत्तर जरूर दिंदा, उहदी हर एक वह प्रार्थना नूं सुणदा, हर एक प्रार्थना का उत्तर दिंदा और मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा। दोस्तो आओ रल मिल के आपां सब उहनां दी महिमा करिए, उहनां दा प्रचार करिए, लोकां दे विच वध तों वध आपां उहनां दीआं चंगाइयां नूं दसीए तां कि अपने भैण भाई होर भी अपने नाल रल के परमेश्वर की महिमा करन और अपने दुखां तों छुटकारा पा सकन। सो मैं लास्ट दे विच धन्नवाद करदा मसीह परिवार चैनल दा, जिन्हां ने मैनूं अज अपनी गवाही पेश करन दा और सब दे रूबरू होण दा मौका दिता और मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा कि वह सब नाल अपनी प्रेम भावना दे नाल सब आपां इकट्ठे हो सकीए और परमेश्वर का धन्नवाद कर सकीए। सब नूं मेरे वल्लों जय मसीह।